गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में दुकान से स्टार्ट करता हूँ। गाइस आप लोगों को बता दूं कि 13 तारीख को करवा चौथ आने वाली है, तो करवा चौथ में व्रत रखा जाता है। तो जो भी लेडीज होती हैं शादीशुदा, तो वो अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए। और काफ़ी लड़के भी ऐसे होते हैं जो अपनी अपनी पत्नियों के लिए व्रत भी रखते हैं। तो बाज़ार में भीड़ आने लग गई है। बाज़ार में भीड़ किस चीज़ की है, लोगों को बता दूं कि साड़ियाँ ख़रीदने के लिए लेडीज़ों की भीड़ आने लगी है बाज़ार में। हमारे सामने ही एक भैया की दुकान है दानपुरिया नाम से, तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं किस तरीके से भीड़ है। दानपुरिया टेक्सटाइल थोक वस्त्र विक्रेता, यहाँ पर थोक में भी साड़ियाँ मिल जाती हैं, और ये रिटेल की भी दुकान है। आप देख सकते हैं ये सब मान भाई है अपना, ये साड़ियों की तय बनाता हुआ, और वो शेखर भाई हैं लाल शर्ट में, इनकी शोरूम है ये। तो आप यहाँ से साड़ी भी खरीद सकते हैं आके, और यह साड़ी की सेल चलती हुई देख सकते हैं। साड़ियाँ खरीदने लेडीज़ आई हुई हैं, अभी काफ़ी थी तो अभी और आएंगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। दीपावली पे हल्दीराम का माला आया हुआ है बेचने के लिए दुकान पे, देखते हैं एक मिनट ये इसमें क्या है। ये तो कल रखे थे बेसन लड्डू, ये सोन पपड़ी हैं हल्दीराम की, ये आया मीठा ड्राई फ्रूट वगैरह, ये स्नैक्स वगैरह गिफ्ट पैक हैं। ये देख सकते हैं रसगुल्ले, और ये ड्राई फ्रूट पान जीरा है, ये ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू है, ये स्नैक्स करके हैं कि देसी सोन पपड़ी और सादा, ये चॉकलेट सेली बर्फी, और ये लड्डू वगैरह। सारे हल्दीराम के आइटम आए हुए हैं दुकान पे। ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू, और ये हैं ड्राई फ्रूट पंजीरा लड्डू, और ये पतीशा, ये सोन पपड़ी है। इस पे हल्दीराम के लड्डू के पैकेट पर 50% की छूट चल रही है इस वक्त, 1, 2 और ये 3 पे। मिठाई के चक्कर में ना हमने पूरा दुकान का सेटअप ही चेंज कर दिया पूरा, दिखाता हूँ एक मिनट। ये हल्दीराम की मिठाई है तो ये यहाँ लगा दी बाहर, और ये जो वहाँ था ना चॉकलेट का डिब्बा यहाँ लगा दिया है इधर की साइड इस काउंटर पे, और यहाँ पे पेटेज जो थी तो वो इधर लगा दिए बाहर। देख सकते हैं पूरा सेटअप ही चेंज कर दिया एकदम। बता दूं गाइस कि दीपावली आने वाली है, तो हमारी गली में इलेक्ट्रॉनिक की बहुत दुकान है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक का सामान लगा दिया गया है, झल्लर वगैरह लाइट वगैरह जो होती हैं उससे सजावट कर दी गई है, अब उसकी खरीदारी ज़्यादातर चलेगी। ये गाइस आप लोगों को बता दूं कि हमारे सामने ही इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है चाचा की एक, तो उसमें भी झल्लर आई हुई हैं, दिखाता हूँ कितनी बढ़िया बढ़िया झल्लर आई हुई हैं दिवाली के लिए। यहाँ से आप खरीद सकते हैं, ये स्टार वाली झल्लर हैं, और ये देखिए दिए वाली झल्लर हैं, ये गुड नाइट। अभी नींद आ रही है तो सो जाता हूँ, आप सुबह मिलेंगे, ठीक है, बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। अभी मैं नहा चुका हूँ तो अभी हम नीचे चलते हैं, और आज बता दूँ आज है करवा चौथ। तो देखो गाइस मैंने तो व्रत रखा नहीं है, क्योंकि मेरी ना गर्लफ्रेंड है और ना ही वाइफ, तो किसी के लिए व्रत रखा नहीं है। और जो हमारे घर में मम्मी का व्रत, तो मम्मी ने पापा के लिए व्रत रखा है आज। बाज़ार से करवा खरीद के लाए थे, मम्मी पूजा कर रही हैं, ये देख सकते हैं आप लोग।
के लिए ये वाला गिफ्ट दिया है पजेब। हे गाइस, आज का ब्लॉग बस इतना ही, और एडिटिंग वगैरह भी करनी है, खाना वाना खा लेते हैं उसके बाद सोते हैं। तो आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते फिर अगली न्यू ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।